लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सियासी पारा गर्म है। 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुटे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे और इस घोषणा पत्र की थीम अन्याय से न्याय की ओर रखी गई। इसके लिए दिल्ली में 24 अक्टूबर को रोड पर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है और इस मौके पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, एमपी के सीएम कमलनाथ सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों की अगर माने तो इस घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना, स्वास्थ्य का अधिकार और किसान कर्ज माफी जैसे बड़े वादों को शामिल किया जा सकता है। अन्याय से न्याय की ओर घोषणा पत्र की थीम रखी है। लोकसभा चुनाव की हलचल हर तरफ तेज नजर आई और आज जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र और उसमें कई योजनाएं शामिल हो सकती है, किसान कर्ज माफी से लेकर न्याय योजना है जो न्यूनतम आय योजना रखी गई है। अन्याय से न्याय की ओर घोषणा पत्र की थीम रखी गई। और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कई वादे कर सकती है। अन्याय से न्याय की ओर इस घोषणा पत्र की थीम रखी गई है। जिस तरह से हर सभा में, हर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी न्याय योजना, न्यूनतम आय योजना के बारे में बताते नजर आते हैं और साथ ही किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी इस घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी पारा हर तरफ गर्म है। लोकसभा चुनाव की हलचल तेज है और आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता प्रीत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रीत, आज कांग्रेस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, क्या उम्मीद है, क्या क्या वादे किए जा सकते हैं? देखिए ज्योति, जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है इस घोषणा पत्र में, सबसे बड़ी योजना जो कि न्याय योजना की बात की थी राहुल गांधी ने, उसको विस्तार से अपने घोषणा पत्र में बताएंगे कि किस तरीके से न्याय योजना को लागू किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस इस बार गरीब तबके को अपने साथ लेकर चलने की बात कर रही है, एससी एसटी को अपने साथ लेकर चलने की बात कर रही है, युवा वर्ग को अपने साथ लेकर चलने की बात कर रही है, महिलाओं को, तो तमाम वर्गों को लुभाने के लिए न्याय योजना के साथ ही और भी इस तरीके की योजनाएं लाई जाएंगी। जिस तरीके से जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेकर के आने की बात की थी राहुल गांधी ने, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि मैनिफेस्टो में राहुल गांधी क्या कुछ लाते हैं। जिस तरीके से आज जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनको घर देने की बात की गई थी इससे पिछले 2009 के मैनिफेस्टो में, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को दोहराती है। जिस तरीके से मुस्लिम्स के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की गई थी इससे पिछले मैनिफेस्टो में, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको दोहराती है। लेकिन उम्मीद ये जरूर लगाई जा रही है कि इस मैनिफेस्टो में न्याय योजना के साथ साथ तमाम ऐसी बेरोजगारी दूर करने के लिए, शिक्षा को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके कुछ बड़े वादे कांग्रेस पार्टी जी। चलिए प्रीत से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन आपको बता दें आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो सकता है और इस घोषणा पत्र की थीम अन्याय से न्याय की ओर होगी। तहत कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है।